हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका प्रोविडेंट स्टडी में। फ्रेंड्स, आज हम जो जगमोहन बलोखरा की वॉल्यूम वन बुक है उसका एक चैप्टर देखेंगे, वाइल्ड लाइफ इन हिमाचल। उसको फ्रेंड हम पूरा कंप्लीट करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम स्टार्ट करते हैं वाइल्ड लाइफ इन हिमाचल। ठीक है फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, तभी फ्रेंड्स अगला पार्ट डालने का कोई मतलब बनेगा। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम स्टार्ट करते हैं। जो फ्रेंड्स हिमाचल का टोटल एरिया है वो हमें पता है कितना है, 55,673 स्क्वायर किलोमीटर। उसका उसमें जो फ्रेंड्स टोटल जियोग्राफिकल एरिया है फॉरेस्ट का वो है 37,000 समथिंग। और अगर फ्रेंड हम परसेंटेज में उसकी बात करें तो वो है 68%। लेकिन जो परसेंट में जो फॉरेस्ट का जो कवर है फ्रेंड्स वो है ओनली 26%। और इस 26% को इंक्रीज करने के लिए जो हिमाचल का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है फ्रेंड उसने एम रखा है कि हम इसको 30% तक इंक्रीज करेंगे, 26 से 30%, लेकिन बाय 2030 तक। जो फ्रेंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था वो आया था 1972 में। कुछ जो नेशनल सिंबल एनिमल जो इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स वो देख लेते हैं। नेशनल एनिमल रॉयल बंगाल टाइगर, हेरिटेज एनिमल एलिफेंट, मैमल्स हनुमान लंगूर एंड एक्वाटिक एनिमल डॉल्फिन। अब फ्रेंड्स यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड पार्क इन हिमाचल। फ्रेंड इस समय जो हिमाचल में वाइल्ड लाइफ और सेंचुरी है उसमें 3 नेशनल पार्क है, 28 सेंचुरी है। और जो नेशनल पार्क है फ्रेंड्स उसके अंडर जो टोटल एरिया है स्टेट का वो है ओनली 2%, 2.33%। और जो टोटल एरिया है फ्रेंड्स वाइल्ड लाइफ प्लस नेशनल पार्क के अंडर वो है 7.10%। तो फ्रेंड्स आप जब इसमें से माइनस करेंगे तो सेंचुरी का एरिया भी आ जाएगा, लेकिन हमें टोटल याद रखना है कि कितना है। और जो फ्रेंड्स जो टोटल एरिया है वो 7.1% ऑलमोस्ट डबल है जो पूरा इंडिया का है, दैट इज 3.3%। फ्रेंड्स पहला नेशनल पार्क है हिमाचल का ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुल्लू में है। एल्टीट्यूड फ्रेंड्स एग्जैक्ट तो याद नहीं रख सकते, इतने सारा हमारे नेशनल पार्क और सेंचुरी है टोटल अगर हम कंबाइन करें तो, लेकिन कुछ एक आइडिया रखना फ्रेंड्स कि कहां से कहां तक है। इसका एल्टीट्यूड है 1500 से 5800 मीटर तक। अगर फ्रेंड्स कभी फिट में आता है कि कितना एल्टीट्यूड, तो उसको जो मीटर में है अभी उसको बस 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, अप्रोक्सीमेट एरिया को मिल जाएगा। फ्रेंड्स जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है इसका जो पहले एरिया था वो था 620 स्क्वायर किलोमीटर और ये बना था 1984 में, लेकिन इसको जो स्टेटस मिला नेशनल पार्क का वो मिला था 1999 में। और 2013 में एक सेंज एंड एक त्रिथन सेंचुरी, ये भी फ्रेंड दोनों कुल्लू में ही है, इन दोनों को मर्ज कर दिया इस नेशनल पार्क में। लेकिन फ्रेंड ये कंप्लीट मर्ज नहीं, कुछ पार्ट इसमें ऐड किया गया है। तो एट प्रेजेंट जो इसका टोटल एरिया है वो है 1171 स्क्वायर किलोमीटर। फ्रेंड्स 2014 में 23 जून को इस पार्क को वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया बाय UNESCO के द्वारा। अब फ्रेंड्स आपको बताना है कि जो टोटल हेरिटेज साइट है हिमाचल की वो कितनी इंक्लूड है यूनेस्को में। एक ये हो गया ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क का, और जो कोई और है वो कौन सी है आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। दूसरा पार्क है फ्रेंड्स पिन वैली नेशनल पार्क, ये लाहौल स्पीति में है। इसका एल्टीट्यूड है 3,266 मीटर अप्रोक्सीमेटली, आपको याद रखना है। इसको नेशनल पार्क का स्टेटस मिला था 1987 में और उसका नियरेस्ट टाउन है काजा। टोटल एरिया है फ्रेंड 675 स्क्वायर मीटर और ये जो स्नो लेपर्ड होते हैं उसके लिए बहुत फेमस है। अगली सेंचुरी है फ्रेंड हमारी बांदली सेंचुरी, मंडी में है। इसका एल्टीट्यूड 762 से 2160 मीटर तक, जो उसके नियरेस्ट टाउन है वो है सुंदरनगर। टोटल एरिया है 41 स्क्वायर किलोमीटर। फ्रेंड चाइल्ड सेंचुरी, इसका कुछ पार्ट फ्रेंड सोलन में आता है, कुछ शिमला में आता है, लेकिन जो मेजर पार्ट है उसको सोलन में ही काउंट करते हैं। तो अगर ऑप्शन सोलन शिमला है तो आपको सोलन ही हमें टिक करना पड़ेगा।
इसका जो एल्टीट्यूड है 701 से 2180 मीटर तक। और इसको फ्रेंड्स जो नोटिफाई किया गया था सेंचुरी वो थी 1976 में। इसका नियरेस्ट टाउन इसलिए इसमें शिमला पड़ता है। टोटल एरिया फ्रेंड 108, इसका एरिया फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट है। और फ्रेंड्स इसमें ये सेंचुरी जो फेमस है वो है फ्रेंड्स के लिए जो मोस्ट थ्रेटेंड पॉपुलेशन ऑफ चीर पिजन को इसमें पाई जाती है। ये है फ्रेंड्स वो चीर थाउजेंड पिजन जो इस सेंचुरी में पाई जाती है। चूड़दार सेंचुरी, चूड़दार सिरमौर एंड शिमला दोनों पार्ट में ये भी, लेकिन ये इसका मेजर पार्ट है सिरमौर में, इसलिए इसका जो नियरेस्ट टाउन है वो है फ्रेंड नौराधार। टोटल एरिया है 56 स्क्वायर किलोमीटर। अब दरहान घाटी, दरहान घाटी फ्रेंड्स शिमला में है। नियरेस्ट टाउन इसका रामपुर में है। जो टोटल एरिया है वो 167 स्क्वायर किलोमीटर। दाड़लाघाट सेंचुरी सोलन एंड बिलासपुर में भी इसका दो में एरिया आता है। जो नियरेस्ट टाउन इसका है शिमला। टोटल एरिया है 52 स्क्वायर किलोमीटर। गेमगुल सी एम बही सेंचुरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंचुरी है फ्रेंड्स, चंबा में है। इसका एल्टीट्यूड भी याद रख लेना और किसके लिए फेमस है वो भी याद रख लेना। 1800 से 2069 मीटर तक इसका जो एल्टीट्यूड है। टोटल एरिया है फ्रेंड्स 108 स्क्वायर किलोमीटर। और ये एचपी में बस एक ही ऐसी सेंचुरी है जहाँ पे कश्मीरी स्टैक प्रेजेंट है। कश्मीरी स्टैक जो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा इसे कश्मीरी स्टैक कहते हैं। ये है फ्रेंड्स हमारा थर्ड नेशनल पार्क सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क, सिरमौर में है। इसका एल्टीट्यूड है 400 से 600 मीटर। टोटल एरिया इसका इम्पोर्टेंट रखना, जो फ्रेंड्स जितने भी नेशनल पार्क उसका एरिया ज़रूर याद रखें कितना है, कब नेशनल पार्क बना। जो फ्रेंड्स को सेंचुरी नोटिफाइड किया गया था वो 1958 में, लेकिन जो स्टेटस मिला इसको नेशनल पार्क का वो मिला है 2013 में। और ये पोंटा वैली में, अगर पूछेगी कौन सी वैली में है तो ये है फ्रेंड्स पोंटा वैली में। और 2017 में फ्रेंड्स फोर स्टेट एचपी हरियाणा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ये चारों स्टेट एग्री हुए कि हम यहाँ पे एक टाइगर रिजर्व सेट करेंगे इस पार्क पे नेशनल पार्क में। तालरा सेंचुरी, तालरा है फ्रेंड्स शिमला में। जो इसका एल्टीट्यूड है वो है 1500 से 3300 मीटर। नियरेस्ट टाउन है जुब्बल। टोटल एरिया फ्रेंड्स 40 स्क्वायर किलोमीटर। तीर्थन सेंचुरी यह कुल्लू में 2100 से 4800 मीटर। जो नियरेस्ट टाउन है वो है फ्रेंड बंजर। टोटल एरिया है 61 स्क्वायर किलोमीटर। जो फ्रेंड्स ये नोटिफाइड सेंचुरी ये सब कुछ याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन जो नेशनल पार्क उसका आप सब कुछ याद रखें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि कुछ भी पूछ सकते हैं। नेशनल पार्क पहले ही तीन ही है तो ज़्यादा वो भी नहीं है। गोविंद सागर सेंचुरी, इसका कुछ पार्ट बिलासपुर में कुछ मंडी में है, लेकिन मेजर पार्ट बिलासपुर में है और नियरेस्ट टाउन बिलासपुर ही है। टोटल एरिया फ्रेंड इसका 100। इसका एल्टीट्यूड फ्रेंड जरूर याद रखना, कई बार वो सबसे लोएस्ट एल्टीट्यूड में कौन सी सेंचुरी है और कौन से हाईएस्ट में कौन सी है, तो ये आप जरूर देखना कि कौन सभी तक सबसे लोएस्ट में कौन सी आई है और कौन सी हाईएस्ट में। काइस सेंचुरी जो कुल्लू में है फ्रेंड्स के ही याद रख लेना। टोटल एरिया है 14। और कैस जो ट्रिब्यूटी है वो है ब्यास रिवर। काला टॉप खजियार सेंचुरी ये फ्रेंड चंबा में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फ्लोटिंग आइलैंड है फ्रेंड टूरिस्ट स्पोर्ट्स के लिए उसके लिए बहुत फेमस है। टोटल एरिया इसका है 20 स्क्वायर किलोमीटर। फ्रेंड्स कन्वर सेंचुरी जो कुल्लू में है, इसका टोटल एरिया है फ्रेंड 1800 से जो उसका एल्टीट्यूड है फ्रेंड वो है 1800 से 4800 समथिंग इन मीटर। एंड टोटल एरिया फ्रेंड्स वो है 60। नियरेस्ट टाउन ये इंपॉर्टेंट फ्रेंड मणिकरण है इसका कन्वर सेंचुरी का, ये याद रखने का। और ये फेमस है फ्रेंड्स हिमालयन थार के लिए। खोकन सेंचुरी ये फ्रेंड्स कुल्लू में है। इसका जो टोटल एरिया है वो है 14। एल्टीट्यूड 1500 से 2780 मीटर। कुकती फ्रेंड्स ये बहुत फेमस है चंबा, ये मेडिकल जो प्लांट है उसके लिए बहुत फेमस है। इसका एरिया है फ्रेंड्स, इसका ज़रूर एरिया भी याद रखें और टाउन तो नियरेस्ट चंबा ही है, तो 378.87 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है।
लिप्पा आश्रम फ्रेंड किन्नौर में है। इसका फ्रेंड्स जो अल्टीट्यूड है वो है 4000 से 5000 मीटर तक। नियरेस्ट टाउन मुरंग। इसका फ्रेंड्स जो नियरेस्ट टाउन है ज़रूर याद रखे, टोटल एरिया 30 स्क्वायर किलोमीटर। और फ्रेंड्स यहाँ पे याक और मस्क डियर ये भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है, लेकिन ये जो टूरिस्ट होते हैं फ्रेंड उसके लिए ये सेंचुरी ओपन नहीं है। तो ये आप ज़रूर याद रखें कि कौन सी सेंचुरी हिमाचल में टूरिस्ट स्पॉट्स के लिए ओपन नहीं है। लिप्पा आश्रम, नियरेस्ट टाउन है मुरंग। मझाठल सेंचुरी सोलन एंड शिमला, मेजर एरिया इन सोलन, लेकिन नियरेस्ट टाउन है शिमला। टोटल एरिया है 39.39 स्क्वायर किलोमीटर। मोस्ट इम्पोर्टेंट लोकली फॉर चीर फीजेंट इन द वर्ल्ड फ्लोरा ओनली बान, जो बान और ओ का फॉरेस्ट है वो उधर पाया जाता है। लेकिन जो फ्रेंड इसका एरिया है इसको इको सेंसिटिव जोन में रखा गया है, क्योंकि वहाँ पे जो सीमेंट का प्लांट है, एक अम्बुजा है और एक फ्रेंड एक दूसरा प्लांट है, तो उसकी वजह से इस सेंचुरी को इको सेंसिटिव जोन में रखा गया है। मनाली सेंचुरी, मनाली सेंचुरी फ्रेंड कुल्लू में है। इसका एरिया है 31.80 स्क्वायर किलोमीटर। नियरेस्ट टाउन है मनाली। एल्टीट्यूड है फ्रेंड्स 2273 से 5173 मीटर तक। नैना देवी फ्रेंड्स बिलासपुर में है। इसका एल्टीट्यूड भी 500 से 1019 तक। नियरेस्ट टाउन है नंगल पंजाब का। फ्रेंड्स ये जरूर याद रखें कि नैना देवी बिलासपुर की जो सेंचुरी उसका जो नियरेस्ट टाउन है वो नंगल पंजाब में, और ये इनर शिवालिक में प्रेजेंट है। एरिया इसका है 122.68। नागरू सेंचुरी फ्रेंड्स मंडी, नियरेस्ट टाउन है फ्रेंड्स मंडी। टोटल एरिया 278.37 और ये सबसे मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड सेंचुरी है इन एचपी। और खोकन जो सेंचुरी है कुल्लू में उसको ये साउथ ईस्ट साइड को ज्वाइन करती है। सेचुतुआनाला सेंचुरी चंबा में है फ्रेंड्स, नियरेस्ट टाउन भी इसका चंबा ही है। टोटल एरिया है 102.2 स्क्वायर किलोमीटर। शिकारी देवी सेंचुरी ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसका नियरेस्ट टाउन है सुंदरनगर और एल्टीट्यूड है इसका 1800 से 3359 मीटर। टोटल एरिया है 72 स्क्वायर किलोमीटर। शिली सेंचुरी स्मॉलेस्ट इन एचपी एंड लोकेटेड इन सोलन, और इसका जो एल्टीट्यूड है वो है 1230 से 1845 मीटर तक। और फ्रेंड्स इसका जो एरिया है वो है ओनली 2.18 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, ज़रूर याद रखें। शिमला वाटर कैचमेंट सेंचुरी, इसका तो नाम से ही पता लग रहा है ये शिमला में है। इसका एरिया याद रखिए 10.25 स्क्वायर किलोमीटर। और जो ये पहले सेंचुरी ये पार्ट था कोटी स्टेट का, और इसमें एक हाईली डेंसली कोकोलस पीजेंट होता है फ्रेंड्स, ये भी एक टाइप का एनिमल ही है। पुंधास सेंचुरी ये चंबा में है। एल्टीट्यूड है 2074 से 5532 मीटर। नियरेस्ट टाउन है चंबा। एरिया है 64.22 स्क्वायर किलोमीटर। पोंग लेक वेरी इंपॉर्टेंट सेंचुरी फ्रेंड्स, कांगड़ा में लोकेटेड है। नियरेस्ट टाउन है देहरा गोपीपुर। जो फ्रेंड नियरेस्ट टाउन है आप ज़रूर याद रखें कि इसका कौन सी सेंचुरी का नियरेस्ट टाउन है, उसका प्रिकॉस एरिया। पोंग डैम फ्रेंड्स जो बना था वो बना था 1976 में, और वहाँ पे जो रेड नेक गर्ब है फ्रेंड्स वो वहाँ पे पाए जाते हैं, फेमस फॉर मशीर फिश के लिए। और भोपर स्वान जो एक फिनलैंड का नेशनल बर्ड है वो वहाँ पे फ्रेंड्स अभी मतलब देखा गया था, इसलिए और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। रक्चम छितकुल सेंचुरी किन्नौर में है। 3200 से 5486 मीटर तक इसका एरिया। नियरेस्ट टाउन कल्पा। टोटल एरिया है 34.11 स्क्वायर किलोमीटर। ये ट्रॉट फिश के लिए है। और फ्रेंड्स एक जो भी अभी लास्ट हमने एक सेंचुरी डिस्कस करी थी वो मशीर फिश के लिए फेमस थी, तो आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है कि कौन सी ट्रॉट फिश के लिए फेमस है और कौन सी मशीर फिश के लिए सेंचुरी इंपॉर्टेंट है। रेणुका सेंचुरी इसका एल्टीट्यूड फ्रेंड याद रखिए सबसे लोएस्ट एल्टीट्यूड में है, तो इसका एल्टीट्यूड है 200 मीटर से 887 मीटर तक। नियरेस्ट टाउन है ददाहू। रेप्टाइल वहाँ पे जो फेमस हुए इंडियन कोबरा, पाइथन एंड कॉमन रेड स्नैक। रूपी भावा सेंचुरी किन्नौर।
एंड लास्ट सेंचुरी है। इसका एल्टीट्यूड है 909 से 5650 मीटर। नियरेस्ट टाउन है रामपुर बुशहर। तो आपने फ्रेंड्स कंप्लीट वीडियो देखी, आपको जो कमेंट बॉक्स में लिखना हुआ है सबसे हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे कौन सी सेंचुरी है, सबसे लोएस्ट एल्टीट्यूड पे कौन सी सेंचुरी है। अब फ्रेंड्स जो की फैक्ट है उस बुक में थोड़ी वो याद रखनी है आपको, जो 100 नेस्ट होम फॉर हाउस स्पैरो इन शिमला, शिमला में फ्रेंड्स 100 नेस्ट होम बनाए जा रहे हैं हाउस स्पैरो के लिए, अभी शिमला में बनाए जा रहे हैं। उसके बाद फ्रेंड्स ये 10-10 हर डिस्ट्रिक्ट में बनाए जाएंगे डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर में। और जो फ्रेंड्स मंकी पॉपुलेशन है वो हाईएस्ट कहाँ है, उन्ना में, फिर नूरपुर, फिर हमीरपुर, फिर उसके बाद सिरमौर, सिरमौर में राजगढ़ में। लेकिन अब वो पॉपुलेशन और डिक्लाइन हो गई है और 4 स्टिलाइजेशन सेंटर अभी फंक्शनिंग कर रही है और 3 अभी और रेडी हैं। जो रेडी है फ्रेंड वो है चंबा में, सुंदरनगर में और पोंटा में। लेकिन जो भी करंटली जो फंक्शनिंग कर रहे हैं वो है कुट्टी कंडी शिमला में, एक शास्त्र जो हमीरपुर में है और एक कांगड़ा में है, उसका नाम गोपालपुर, एक है उड़ना में। फ्रेंड्स आप कह रहे हैं और एसपी फर्स्ट स्टेशन वाज रिंगिंग स्टेशन जो एसपी का वो कहाँ है, वो है सलोपरा कुल्लू में। ये फ्रेंड्स यहाँ पे गलत टाइप हो गया है तो उसके लिए सॉरी। एंड लास्ट वाज स्नो लेपर्ड सेंटर इन किन्नौर एट कीवर सेकेंड इन वर्ल्ड। जो फ्रेंड्स स्नो लेपर्ड के लिए एक जो सेंटर बनाया गया है किन्नौर में वो सेकेंड है फ्रेंड्स वर्ल्ड में। और जो फर्स्ट कहाँ है वो आप जरूर कमेंट में मेंशन करें, लेकिन वो इंडिया में नहीं है, इतना मैं आपको हिंट दे देता हूँ। सो फ्रेंड्स ये था हमारा वाइल्ड लाइफ इन हिमाचल। और फ्रेंड्स वीडियो को प्लीज़ थोड़ा शेयर कीजिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और फ्रेंड्स जितनी भी ये वाइल्ड लाइफ है नेशनल पार्क सेंचुरी थी वो कम्प्लीट है। आपको इस वीडियो से बाहर अगर कोई भी क्वेश्चन दिखता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो क्वेश्चन 90% तक क्वेश्चन जो वाइल्ड लाइफ या सेंचुरी हो फ्रेंड इसी वीडियो से हो गए। सो थैंक्स फ्रेंड फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। लेकिन फ्रेंड्स वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। एंड जय हिंद।